नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम नर्सरी में आए हैं तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लांट है। ये है तुलसी और श्याम तुलसी है। ये बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन्हें भी आप अपने घर पे अच्छे से लगा सकते हैं। गुलाब हैं, ये अलग अलग तरह के गुलाब हैं। देसी गुलाब है, काश्मीरी गुलाब जिसे वे कहते हैं, वो वाले गुलाब है। वाइट भी है इसमें, पिंक भी है और रेड भी है, लाइट पिंक भी है इसमें। साथ में यहाँ लगाया हुआ है जेट प्लांट, इसे भी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो करता है और पूरा ज़मीन पे फैलता रहता है। और ये है ओलेंडर, ये भी प्लांट बहुत अच्छा लगता है। घर में फ्लावर्स आते हैं, इसके बहुत बड़े बड़े बेल होती है, बेल के हिसाब से प्लांट चढ़ते हैं। ये है चांदी प्लांट है, यहाँ चांदनी प्लांट बहुत सारे आए हुए हैं। ये भी एक बेल है और ये अच्छे से बहुत घर के आंगन में बहुत अच्छी सी लगती है। और इसके फूल बहुत 12 महीने ही इसके फूल आते हैं वैसे तो। और ये है कड़ी पत्ता, मीठी नीम। यहाँ बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लांट हैं। आज मैंने सोचा चलो मैं आपको भी ये प्लांट दिखाऊँ। ये देखो, ये भी लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं अंदर। गुलमोहर भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नींबू के प्लांट्स भी हैं, ये पाम भी लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए। और कौन सा प्लांट है, ये वाइट फूलों वाला है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी प्लांट है, ये देखिए कितने सारे प्लांट है। ये है कृष्ण कमल, एक बेल होती है, ये लकड़ी के सहारे चढ़ाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसके फ्लावर जब आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे कि ये खिला हुआ है, देखिए कृष्ण कमल है ये। फिर से वाइट रोज आ गया है, ये भी प्लांट है, बहुत आउटडोर आप लगा सकते हैं। ये मोंगरा है, यहाँ मोंगरा के बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सुंदर प्लांट्स हैं। ये देखिए मोंगरा कैसे खिले हुए हैं, सारे मोंगरा के फ्लावर्स हैं। कृष्ण कमल खिलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखिए। ये प्लांट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन नर्सरी में मिल जाते हैं। एक लड़की लकड़ी के सहारे से चढ़ाया जाता है। और ये भी इसमें एक और भी कलर आता है, रेड कलर भी आता है, ये देखिए रेड कलर भी है यहाँ। खिलने के बाद फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए दो ही कलर के मैंने देखे हैं, बाकी तीसरा कलर मुझे पता नहीं है या नहीं। दो ही कृष्ण कमल है यहाँ पर अवेलेबल थे। एक बेल होती है, बेल के सारे पेड़ चढ़ते हैं। फिर से हम आ गए हैं गुलमोहर के पास, बस जाते जाते गुलमोहर को फिर से देख लें।